गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ विकास मिश्रा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो बेसिकली द डिमांड इज, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन कर भी दिया है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस. कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था लेक्चर में द लॉ ऑफ डिमांड एंड द डिटरमिनेंट्स एंड द अदर टॉपिक्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड. इन द लॉ ऑफ डिमांड वी हैव डिस्कस द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड. ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली होता है क्या कि देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड. Right, if the price is 4, the demand is 1, and if the price is 1, demand goes 4. So we can draw it like this. This is the demand curve and it always slope downward. We can say willingness to buy and ability to pay is equal to demand in short, right? So kitna basically change aata hai, ye to humne discuss kiya tha ki there is inverse relation between price and quantity demanded. लेकिन उसका रिलेशन, वो उसका जो रिस्पांस है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्यूरेट परसेंटेज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, और उसको हम बोल भी सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये तो पर्टिकुलर एक लॉ हो गया, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो इम्पैक्ट है अलग अलग कमोडिटीज़ पर कितना आ रहा है, दैट्स बिलोंग्स टू your responsiveness, right? The first degree is responsiveness, elasticity of demand. The first degree is ED is equal to infinite. ठीक है, ED is equal to infinite, we can say infinity also. Infinite में क्या है कि if there is slightest change in price, so demand goes anywhere, somewhere it can goes in zero or it can be infinite way, right? कुछ भी हो सकती है. अगर हम slightest change करते हैं price में, तो इसका मतलब है ED इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट का, कि डिमांड कुछ भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है या फिर वो इनफाइनाइट भी हो सकती है. ठीक है, और ये बेसिकली ये कंडीशन जो है ये परफेक्ट कंपटीशन में पाई जाती है, जो कि हमने डिस्कस हम करेंगे और करते भी हैं अभी तक, कि जो ED इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में AR इज़ इक्वल टू MR फॉर्म में भी बता सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. इस लाइन को हम, ये जो लाइन आ रही है, दैट इज़ एवरेज एंड मार्जिनल बोथ, राइट? और ये कंडीशन पाई जाती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. ठीक है, एक तरह का प्रोडक्ट है, खरीदने वाले बहुत हैं, बेचने वाले बहुत हैं. उस कंडीशन में ये जो पिक्चर है आपको देखने को मिलेगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सेकेंड आपका क्या है, ED इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस कंडीशन को हम ये कह सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, और जो सेकेंड वाला इमेज है, ये जो नीचे ED इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो को हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं, और ई डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं. तो सेकेंड इमेज में, जो सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली जो मैंने अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया, ये अभी जो हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. तो यहाँ पर ई डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाई एक्सेस है, यहाँ पर हम जनरली प्राइस को डिनोट करते हैं और एक्स पे करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को. ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर इमेजनरी फिगर में ऐसे ले लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ लाइंस. ठीक है, प्राइस अगर 2 है, 4 है, 6 है, और इसकी एक क्वांटिटी डिमांड है 4, तो वो कॉन्स्टेंट है, वेदर द प्राइस इज 2 और समवेयर इट कैन बी 6. कोई भी प्राइस है, 6 है तो भी उसकी डिमांड 4 है, और 2 है तब भी उसकी डिमांड 4 है. ठीक है, इसका मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है. इलास्टिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है,
और जो मैंने डिमांड से फिर मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, डिमांड में था प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड कम है, प्राइस कम होने पर डिमांड ज़्यादा है, लेकिन कितना कम है कितना ज़्यादा है ये आपका रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है, जो कि यहाँ पर आपने देखा कि 2 है, 4 है, 6 है, या 6 से 4 है और 4 से 2 है, ठीक है, लेकिन इसकी डिमांड 4 बनी है, ठीक है, तो 4 बनी है इसका मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ई डी इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, राइट। अब थर्ड फिगर पे मैं आ जाता हूँ, ई डी इज इक्वल टू ई डी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 में कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसमें हम प्राइस को तो थोड़ा सा कम करते हैं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, ठीक है, ये आपका थर्ड फिगर में शो हो रहा है, ये ई डी इज इक्वल टू 1। और इसके लिए मैं आपको एक और सही चीज़ बता दूं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हमने 1 से डिनोट किया, 1 एक स्टैंडर्ड यूनिट है इलास्टिसिटी की, जिसमें हमें ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और कई सारी जो डिग्रीज है अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या दिया, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने एरो से शो कर दिया, प्राइस इतना कम हुआ और इसकी डिमांड इस प्रोपोर्शन में ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिवनेस इसमें ज़्यादा है, प्राइस का जो परसेंटेज है और डिमांड का परसेंटेज, वो डिमांड का परसेंटेज प्राइस के परसेंटेज से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स इसका ज़्यादा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई डी इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको समझने के लिए हम और आप उसको और एक सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हैं, इसको एरिया वाइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एरिया वाइज में हमने जैसे दे दिया, इसका नाम रख दिया एन एम ओ पी क्यू आर, ठीक है, तो एरिया हम देखेंगे, जो पहला वाला एरिया हमारा था क्यू आर एन ओ, ठीक है, और नया वाला जो एरिया प्राइस कम होने पर जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, पी पी ओ, इसको कुछ और दे दें टी कर देते हैं, ठीक है, नया वाला एरिया क्या होगा, पी टी एम ओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ न्यू एरिया कौन सा है, पी टी, पी टी एम ओ, एम ओ इज ग्रेटर देन द ओल्डर वन, दैट इज क्यू आर एन ओ, क्यू आर एन ओ, ठीक है, तो इस ये एक और एक तरीका है जो इसको अच्छे से जस्टिफाई करता है कि हमने ये देखा कि जो नया वाला एरिया हमारा बन रहा था वो पुराने वाले एरिया से ज़्यादा था, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स क्या है वो ज़्यादा है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, बाकी के मैंने 3 फिगर्स में बताया भी था। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ, जो आपका है ये ई डी इज़ लेस देन 1 है, ठीक है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, अपोजिट का मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि प्राइस जिस प्रोपोर्शन में कम होता है उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा कहीं डिमांड इंक्रीज़ करती है, मतलब रिस्पॉन्स उसका बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर क्या है कि प्राइस का परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन उसका जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो कम है, ठीक है, तो हमने उसको दे दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, 1 इज़ स्टैंडर्ड यूनिट, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो डिमांड का ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी यहाँ पे वो ज़्यादा है, इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है, उसका रिफ्लेक्शन परसेंटेज चेंज इन डिमांड पर कम आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ई डी इज़ लेस देन 1, ठीक है, और ये आपका ई डी इज़ इक्वल टू 1 जो लास्ट आपका आता है वो एक फिफ्थ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इलास्टिसिटी की जो बचती है, लास्ट डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी की, वो ई डी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और इसके पहले हम इसको और क्लेरिफाई कर लें, जो हमारा लास्ट वाला फिगर था उसको एरिया वाइज भी हम सबको डिनोट करना होगा, जैसे मैंने इसमें दिया था एरिया ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, तो जो नया वाला एरिया आपका बनेगा इसको भी ऐसे ही हम नेमिंग कर देते हैं एन एम टी आर क्यू और ये हो गया पी, ठीक है, तो एरिया हम ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ न्यू एरिया कौन सा था, पी टी एम ओ, पी टी एम ओ, ठीक है, इज़ लेस देन,
यहाँ पे ग्रेटर देन था, मैंने आपको बताया ये इसका अपोजिट है, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। पुराना वाला एरिया कौन सा था, क्यू पी एन ओ, क्यू पी एन ओ। इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एरिया वाइज जब आप डिनोट करेंगे, तो उसका प्रोपोर्शन जो मैं बताना चाह रहा हूँ रिस्पॉन्सिवनेस, वो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और जो लास्ट हमारा है ये है आपका ई डी इजिक्वल टू वन। ई डी इजिक्वल टू वन में प्राइस देखिए यहाँ से ऐसे कुछ, आप इसको फिगर भी दे सकते हो, कोई नाम भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से जैसे हमने पहले दिया था क्यू पी, तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू से पी हो रहा है, ठीक है। और इसको भी हमने नाम दे दिया एन और एम, ठीक है। तो जब क्यू था प्राइस तो उसकी डिमांड थी एन, और जब प्राइस पी हो रहा है तो ऑब्वियस है इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, जैसा कि हमको लॉ ऑफ डिमांड बताता है जो अभी तक हमने डिस्कस किया इनवर्स रिलेशन वाला। तो प्राइस बढ़े, प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो एरिया है, आप देखिए ये जो गैप है और ये गैप है लगभग आपको बराबर शो करना है, ठीक है। और उसको इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वही परसेंटेज उसका डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसी परसेंटेज में इक्वली डिमांड इंक्रीज़ कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसको जो हम एरिया वाइज डिनोट करेंगे वो आपका आ जाएगा, तो एरिया ऑफ हो जाएगा पी टी एम ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू आर एन ओ, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, पर्टिकुलर एक एरिया जो पहले फॉर्म हुआ था, दूसरा एरिया जो बाद में फॉर्म हुआ था ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, वो दोनों एरिया बराबर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्राइस इलास्टिसिटी की जो डिग्रीज हैं अभी सब आपको क्लियर होगी। और उसका जो मेन फोकस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मेन थीम है वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज़ कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।